साठ की विज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे थे। सेकंड चैप्टर दूसरा पार्ट अपना कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरे पार्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, ये अपना दूसरा पार्ट था, जिसमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मित्र होते हैं, किस प्रकार से शत्रु होते हैं, इन सूक्ष्म जीव से हमें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं और सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, ये बात हमने पढ़ ली थी। अब अपना लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अर्थात हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की वायुमंडल के अंदर 78% मात्रा है, जो आज से 20 साल पहले भी 78% थी, आज भी 78% है। इसका मतलब नाइट्रोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई और नियमित रूप से उसका उपयोग किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल के अंदर एक चक्कर बनता है, जिसमें नाइट्रोजन काम में आती है और उत्पन्न करके जाती है। एक चक्र के रूप में ये चलती रहती है, जिसे जल चक्र होता है, जिसे ऑक्सीजन चक्र होता है, इसे वैसे ही नाइट्रोजन चक्र होता है। यानी नाइट्रोजन काम में आती रहती है और वायुमंडल में उत्पन्न होती रहती है। हाँ, इस बात को हम जानते हैं कि गैसीय नाइट्रोजन को सभी चीजें दूसरी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इसको पहले काम में लेने के लिए यौगिकों में परिवर्तित करना पड़ता है। और नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे तब नाइट्रोजन को जीवन पेड़ पौधे काम में ले लेते हैं, सभी प्राणी काम में ले लेते हैं, और उसके बाद मतलब ये वापस मृदा में किस प्रकार से जाती है, किस प्रकार वापस वायुमंडल में ये हवा बनी रहती है। तो इसका एक अपना चक्र होता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक जीवाणु का नाम पढ़ा था जिसका नाम था राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। देखिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार से अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किस प्रकार उपयोगी। ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो लेग्यूम पौधे, दलहनी पौधे, लेग्यूम पौधे यानी दलहनी पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है, और जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सही होता है। सेब और मटर जैसे पौधे सहजीविता जिनमें पाई जाती है, कभी ये भी है वो कभी कभी क्या होते हैं जीवाणु वह शैवालों के द्वारा उसका स्थिरीकरण किया जाता है।
गैसीय नाइट्रोजन का निर्माण होता रहता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन थी उतनी ही नाइट्रोजन वापस आपको उत्पन्न होगी। इस प्रकार से नाइट्रोजन एक चक्र के रूप में क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और नाइट्रोजन की वायुमंडल के अंदर जो कुल मात्रा में मात्रा है वो स्थिर रहती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा एक नाइट्रोजन का चक्र बनता है जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। हमारे वायुमंडल में जो 78% जो मात्रा है वो सभी जीवों के लिए क्या होती है, आवश्यक घटक होती है। सभी जीवों के लिए आवश्यक घटक होती है, जो प्रोटीन प्रणहरित पृथ्वी कवक विटामिन आदि में उपस्थित होती है। पौधे और जंतु सीधे रूप में इसको ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे इनका उपयोग अपने जड़ तंत्र की सहायता से करते हैं, यानी जड़ों के द्वारा इसका क्या करते हैं, पौधे पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण किसी सहायता से जड़ तंत्र की सहायता से दो शब्द मैंने आपको यहाँ स्पष्ट किए हैं। इसके साथ
कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी दो पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और पार्ट के पीछे के जो अभ्यास प्रश्न है, मेरे वीडियो को क्लियरली सुनने के बाद और जो कठिन शब्द हैं जो मैंने पार्ट के अंदर समझाए हैं उनकी उनका है वो विस्तृत है वो उसकी परिभाषा अपने दिमाग में रखते हुए और प्रश्नों को अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। सारे प्रश्न आपको आंसर से आंसर सारे प्रश्नों के आंसर आपको आ जाएंगे और उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करने का प्रयास करें। यदि कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है, प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है, तो अपने यू या आपके कॉन्टैक्ट करें, मैं उस प्रश्न का आंसर बता दूंगा। तो दो चैप्टर अपने पांच हैं वो क्या हो गए, अपने कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, प्रश्न जो पीछे जो प्रश्न है यही प्रश्न है, जैसे सूक्ष्म जीवों के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी, सूक्ष्म जीवों के लाभ के विषय में पंक्तियां लिखी, ऐसा प्रश्न है। तो मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के क्या लाभ होते हैं वो मैंने आपको बताया। सूक्ष्म जीव है वो राइजोबियम जो जीवाणु है वो किस प्रकार नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया करता है, यानी नाइट्रोजन चक्र का सही स्थान बना। ऐसे ही हर प्रश्न आपके हैं, प्रतिजीवी क्या होता है, प्रतिजीवी को सभी के नाम लिखिए, ऐसा आपको अभ्यास प्रश्न में प्रश्न मिल जाएगा। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव की परिभाषा लिखिए। लेडोपार्गोनी जीवाणु में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का कार्य क्या है, कुछ मिलान करने वाले